जय हिंद। तो आज जो है सो आप लोग को थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। ठीक है, हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छी तरह से, एकदम अच्छी, एकदम विस्तार से, एकदम पूरे, एकदम अपना भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो चलिए क्लास को जो है सो फटाफट शुरू करते हैं मेरे टाइम को बाते हुए, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा अमूल्य चीज़ होता है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक में जाए जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कुछ करने का आग लगे हो सीने में। जब कुछ करने का जब सोचिएगा, या जब कुछ करने के लिए जो सो आप तैयार होते हैं, तो बहुत सारे समस्या आते हैं। तो ना वही ना संघर्ष ना ना तकलीफ तो खाक में जाए जीने में, यानी कि जब जीवन है या लाइफ है तो संघर्ष और तकलीफ तो आना ही आना है, और यह जिंदगी का पार्ट भी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास था कि जो है हृदय बन जाए। ठीक है, तो बड़ा मेहनत से और बड़ा जो है कोशिश से, जो है प्रयास से बनाए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। ठीक है, तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हृदय है, या हृदय का जो स्ट्रक्चर, इसके बारे में अच्छी तरह से एकदम जानते हैं। पहला देखिए कि हृदय हृदय यह इस तरह का होता है। उसके बाद पहला में कहता है कि हृदय के अंदर रक्त का मार्ग होता है। हृदय, तो पहले हृदय के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि हृदय क्या होता है। हृदय यह एक मांसल की रचना होता है। आप लोग को पता होगा कि हृदय में कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती है, यह एक मांस का बना होता है। क्या होता है इसमें, यह मांस का बनाता है, और इसमें लाखों करोड़ जो होता है इसमें नसें पाई जाती है, जिसके कारण जो है हार्ट से लेकर जो हमारा पूरा शरीर तक ब्लड जाता है, और ब्लड और शुद्ध रक्त हमारे शरीर से हार्ट में आता है और फेफड़ा में जाकर शुद्ध हो जाता है। और फिर यह इस तो इसमें कितना चैम्बर होते हैं, तो चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर कहने का मतलब चार गो बेस होता है। चैम्बर मतलब समझिए चार को घर, जैसे कि मान कर चलिए एक एक रूम मिलाकर क्या होता है, घर होता है। अब ऐसा ना कि एक रूम से कोई घर हो जाता है, ठीक है, एक रूम वाला कोई घर हो सकता है ना, यानी दो चार को रूम मिलाकर क्या होता है, एक घर होता है। उसी तरह ये चार गो, यहाँ से अगर देखेगा तो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट दो गो हो जाता है, क्योंकि एक इस तरफ है एक तरफ, और ये एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसको कहते हैं दाया अलिंद कहते हैं, तो इसको बाया अलिंद कहते हैं। इसको दाया निलय कहते हैं, तो इसको बाया निलय कहते हैं। ठीक है, तो ये चार बेसम हो गया। ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर करते हैं कि ब्लड, ब्लड जो होता है वो आप पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं ब्लड के बारे में। इसमें आता है कि ब्लड हमारा प्यूरिफायर, यानी कि जो है सो शुद्ध होने के लिए हमारे हृदय में आता है। ठीक है, हृदय में आता है। तो पहले देख लीजिए कि मछली में चैम्बर जो होता है, वो मछली में दो चैम्बर होता है। दो चैम्बर कहने का मतलब है एक दाया अलिंद होगा, एक दाया निलय होगा। ठीक है, एक दाया अलिंद एक दाया निलय होगा। उसके बाद पूछा जाए कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप लोग टिक कीजिएगा, दो चैम्बर होते हैं, एक दाया अलिंद एक दाया निलय होता है। ठीक है, यानी कि दाया यहाँ पर क्या है, दाया अलिंद है। यहाँ पर दाया अलिंद और दाया क्या हो जाएगा, दाया अलिंद और बाया अलिंद हो जाएगा, दाया अलिंद और दाया निलय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो नहीं है। उसके बाद कहेगा उभयचर या सरीसृप, जो विलुप्त हो गया सरीसृप, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो तीन चैम्बर होते हैं। तीन चैम्बर यानी कि एक दाया अलिंद होता है, तो एक दाया बाया अलिंद होता है, एक नीचे वाला एक दाया निलय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्तनधारी या पक्षी। स्तनधारी कहने का मतलब है जो भी दुनिया में जीव जंतु है वो जो दूध देती है। ठीक, क्या है, दूध देता है। जैसे कि पक्षी भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, जैसे मेढक को और जो हो गया, ये सभी के अंदर चार चैम्बर होते हैं। तो पहला वाला को कहते हैं दाया अलिंद, क्या कहते हैं, दाया अलिंद, तो ये हो जाएगा बाया अलिंद, ये हो जाएगा दाया नीलय, तो ये हो जाएगा बाया नीलय। ठीक है, इतना बेसिक तो आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, इतना तो पता होगा। तो आते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है ये हार्ट के अंदर, हार्ट इसका वजन जो कितना होता है, तो 300 ग्राम का होता है। कितना होता है, जितना इतना खखोर के नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इतना बेसिक पता बता देते हैं आपको कि आगे तक भी आपको कंपटीशन लेवल तक जैसे फाइट करने में आपको योगदान देगा। ठीक है, आपको अगर आगे कंपटीशन कीजिएगा, अगर कंपटीशन में क्षेत्र में उतरेगा, तो आपको ये अच्छी तरह से याद रहेगा। ठीक है, तो ये एक मांसल रचना होता है, एक मांस का बना हुआ रचना होता है, जिसका वजन 300 ग्राम का होता है। ठीक है, यही धड़कते रहता है। ठीक है, तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। और आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि ब्लड जो होता है 5 से 5.5 लीटर होता है। ठीक है, 5 से 5.5 लीटर का होता है। आप लोग देखिएगा कि 5 लीटर कुछ बड़ा हो जाता है, 5 लीटर का गैलन भी इतना हो जाता है, 5 लीटर का गैलन इतना होता है, लेकिन आप लोग सही से देखिएगा तो ये इतना सा होता है, कुप्पी के टाइप का होता है। आप लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर जाएंगे कि सर 5 लीटर 5 लीटर खून ये इतना सा कुप्पी में कैसे अट जाता है, अटता नहीं है। आखिरकार जो 72 बार जो दिल धड़कता है ना, वो 72 बार धड़कने के कारण जो है ये थोड़ा थोड़ा, यानी कि 100 ग्राम, यानी कि
समझ जाइए ना कि 70 से 72 mL जो होता है वो एक बार धड़कने पर फेंकता है, तो 72 को यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार, तो 72 बार में जो है 20, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, कितना है 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, यही एक बार में 70 ml ब्लड जो है फेंकता है, ठीक है। जब ये धड़कता है तो 70 ml फेंकता है, तो आपको गुना कर दिए, इसको अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं इस इधर वाला पार्ट को कहते हैं, देखिए ऐसे हम खड़ा हो जाते हैं, इधर वाला पार्ट को कहते हैं दायां राइट साइड, और राइट साइड वाला यानी कि दाहिना हृदय, और इधर वाला को कहते हैं बायां हृदय, ठीक है। तो दाहिना यानी कि दायां आलिंद, और इधर वाला को कहेंगे बायां आलिंद, नीचे वाला को कहेंगे दायां निलय, इसको नीचे वाला को कहेंगे बायां निलय, इधर हो जाएगा नीचे वाला निलय, ये नीचे दोनों वाला निलय हो जाएगा, ऊपर वाला अलिंद हो जाएगा, तो जो ऊपर रहेगा इस साइड तो ये बायां दाहिना अलिंद हो जाएगा, तो इधर वाला हो जाएगा बायां अलिंद, ये हो जाएगा दायां निलय, तो ये हो जाएगा बायां निलय, इतना आप लोग समझ गएंगे। आप लोग जो ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप लोग दिख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पेडिकार्डियम झिल्ली या हृदयावरण कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडिकार्डियम झिल्ली या हृदयावरण। क्वेश्चन आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा कि हार्ट जो होता है वो किस झिल्ली से ढांका होता है, ठीक है। तो आप लोग पेडिकार्डियम झिल्ली हो ऑप्शन में, या नहीं तो हृदयावरण झिल्ली हो, आप जितना प्रश्न में आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा वो सभी के सभी लिख दिए हैं, आपको चाहे तो लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, या आपको इसको अच्छी तरह से डिफिनेशन के तौर पर PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी आप जो है सो या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पेडिकार्डियम झिल्ली या हृदयावरण से ढका होता है, क्वेश्चन पूछा वही फेफड़ा पूछा जाता है कि फेफड़ा जो होता है कौन सा झिल्ली से ढका होता है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से ढका होता है, जबकि मेरा हृदय जो होता है वो पेडिकार्डियम झिल्ली या हृदयावरण से ढका होता है, ठीक है। इतना बेसिक जान गया, तो ये इधर वाला भाग को, यहाँ से ऊपर वाला भाग को, और ये देखिएगा बीच में, या बीच में जो जो दो पार्ट में जो अलग करता है मेरा हृदय या इस तरह का होता है, ये दो पार्ट में अलग करता है, पहला तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, इधर वाला को कहते हैं दाहिना, इधर वाला को कहते हैं बायां, फिर इसमें आता है चार चैम्बर होना चाहिए, तो फिर यहाँ से ऊपर हो जाता है, तो फिर ये वाला भाग को कहते हैं दाहिना आलिंद, ये वाला को कहते हैं बायां आलिंद, इसको कहते हैं दाहिना निलय, इसको कहते हैं बायां निलय, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जैसे कि मान के चले ब्लड हमारा कहाँ आता है, तो सबसे पहला आप लोग को यहाँ देख रहा होगा कि हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी कि हृदय के अंदर यानी कि हमारा हार्ट के अंदर जो होता है वो ब्लड का रास्ता क्या क्या है, यानी कि ब्लड हमारा कहाँ से होकर कहाँ तक जाता है। तो पहले देखिएगा तो शरीर से अशुद्ध रक्त होता है, तो हमारा शरीर में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारा महाशिरा के माध्यम से जो सब प्रवेश करता है। तो देखिए शरीर, ये मेरा पूरा शरीर हो जाएगा, मान के चलिए ये तो मेरा हार्ट हो गया, इस तरफ जो सब पूरा शरीर हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा शरीर के माध्यम से जो है पश्च महाशिरा, क्या जाएगा, पश्च महाशिरा, ये महाशिरा के माध्यम से जो है हमारा इस नली के माध्यम से हमारा इस दायां अलिंद में पहुंचेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा हमारा हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले हमारे हृदय के कौन से चैंबर में पहुंचता है, तो दायां अलिंद में, यानी कि दाहिना अलिंद में पहुंचता है, ओके। उसके बाद दाहिना अलिंद में जाने के बाद यहां से हमारा ब्लड जो है नीचे आता है दाहिना निलय में, कहां था, इधर नहीं जाता है, दाहिना अलिंद में आ गया, उसके बाद दाहिना निलय में यानी कि इसके नीचे आ गया, इसके माध्यम से यहां पर देखिएगा तो यहां पे एक दो दू और एक इधर तीन त्रिदलीय कपाट होता है, कपाट मतलब इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। जैसे कि मान कर चलिए यहां पर हम मार्कर को रख दिए, यहां पर मार्कर को रख दिए, तो जब ऊपर से ब्लड जो है प्रेशर मारेगा तो यहां से एना का गिर जाएगा, ठीक है। एक बार और जैसे कि समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पर त्रिदलीय का पार्ट होता है, त्रिदलीय का पार्ट होता है इस तरह का होता है, इस तरह का, यानी कि यहाँ से हटता है तो यहाँ तर इस तरह का हट जाता है, ठीक है। यहाँ आप लोग समझिए, जैसे कि यह जो कपाट होता है ये इस तरह का कपाट होता है, ब्लड इसमें आता है, इसके बाद जैसे ये हटता है तो खुल जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये प्रेशर मारता था ये बंद हो जाता है। जैसे कि ऐसे है तो ऊपर से कोई मारेगा तो निश्चित है कि यह हट जाता है, लेकिन नीचे से मारेगा तो इसका मुंह सट जाता है, तो ये ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन आएगा कि दायां अलिंद जो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो दायां अलिंद में, दायां अलिंद के बाद कहाँ आता है, तो दायां निलय में आता है। उसके बीच में एक जो है त्रिदलीय कपाट होता है, कपाट मतलब रास्ता घेरने वाला, एक जैसे कि ग्रिल के टाइप का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाता है। उसके बाद दायां निलय में आ जाता है, दायां निलय में आ जाता है, यह जो भाग जो बीच बीच जो बांट देता है, दो भाग इधर में दो भाग इधर में, इस भाग को कहते हैं अंतरा निलय भित्ति, क्या कहते हैं, अंतरा भित्ति मतलब क्या होता है, तो दीवाल होता है, तो बीच में एक दीवाल है, इस दीवाल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के यानी कि हमारे हृदय में
हमारे हृदय में दाहिना आलिंद और बायां आलिंद को बांटने वाले भित्ति को क्या कहते हैं? तो अंतरा निलय भित्ति या सेप्टम कहते हैं। दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं, ठीक है, दोनों में से कोई रह सकता है। सेप्टम या अंतरा निलय भित्ति भी कहते हैं। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार होता है, ठीक है। आगे तो हमारा ब्लड दाहिना आलिंद से दाहिना निलय में आ गया, फिर दाहिना निलय से कहाँ जाएगा? तो दाहिना निलय के माध्यम से फिर यह जो इस माध्यम से इस माध्यम के जो नली के माध्यम से हमारा लंग्स में चला जाएगा। क्या जाएगा? तो हमारा शरीर से। क्वेश्चन पूछेगा हमारा जो अशुद्ध रक्त शरीर से कहाँ जाता है? तो दाहिना आलिंद में। दाहिना आलिंद के बाद होगा दाहिना निलय में। दाहिना निलय से सीधा फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है। फेफड़ा में चल जाने के बाद जो फुस फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में शुद्ध होकर क्या आ जाएगा कि महाधमनी के माध्यम से क्या हो जाएगा? महाधमनी के माध्यम से फिर हमारा जो है दाहिना अलिंद में, दाहिना बायां अलिंद में आएगा। कहाँ आ जाएगा? यानी कि इस नली के माध्यम से जो है सो हमारा कहाँ चला जाएगा? तो लंग्स में चला जाएगा। जैसे कि दाहिना अलिंद में ब्लड आएगा, उसके बाद दाहिना निलय में आएगा, फिर दाहिना निलय के माध्यम से फिर फुसफुस धमनी में जाएगा। तो ये जो होगा धमनी, ये इसको कहते हैं फुसफुस धमनी, ठीक है। तो ये फुसफुस धमनी के माध्यम से बाहर निकलेगा, यानी कि फेफड़ा में जाएगा, ठीक है। फुसफुस धमनी के बाद जो है फेफड़ा में चला जाता है, और यहाँ शुद्ध हो जाता है, यहाँ शुद्ध हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड हमारा सबसे पहले कहां आता है? तो हमारा दाहिना आलिंद में आता है। दाहिना आलिंद के बाद दाहिना निलय में आता है। दाहिना निलय के माध्यम से जैसे फुसफुस धमनी के माध्यम से होते हुए जो कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। और लंग्स यानी कि फेफड़ा में जैसे ब्लड का शुद्ध होता है, क्योंकि फेफड़ा में जो होता है वो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी गैसें आते हैं, और वहां पर जो फेफड़ा शुद्ध करता है, यानी कि छानने का, फिल्ट्रेशन यानी कि प्यूरीफाई करने का काम करता है, वहां ऑक्सीजन को मिला देता है। फिर क्या करता है कि यहां ऑक्सीजन मिला हुआ ऑक्सीजनित ब्लड हो जाता है। फिर ऑक्सीजन से मिला हुआ जो सो खून ब्लड जो होता है वो फुसफुस शिरा यानी कि इस नली के माध्यम से जो सो यहां से फिर मेरा जो सो बायां अलिंद में चला आता है। क्या आता है? बायां अलिंद में मेरा ब्लड चला आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंग्स से जो सो ब्लड शुद्ध होकर कहां आता है? तो बायां अलिंद में आएगा। कहां आएगा? बायां अलिंद में आएगा। फिर बायां अलिंद के बाद क्या कहता है कि बायां अलिंद के बाद फिर बायां निलय में आएगा, फिर यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर आप पार्ट आप लोग देख रहे हैं, फिर यहां आएगा, फिर ऊपर से ब्लड जो है सो मारेगा, प्रेशर ऊपर से दाब मारेगा, तो फिर यहां से फिर ऊपर से प्रेशर मारेगा तो इस तरह हट जाएगा दीवार, तो फिर ब्लड जो है सो नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे चला जाएगा तो फिर आएगा क्या? बायां निलय में आएगा। बायां निलय में आ गया, फिर यहां पर देखिएगा कि वहां जो जो बॉर्डर जो छेक रहता है इस तरह का, इसको कहते हैं द्विदलीय कपाट। क्या कहते हैं? यहां पर देखिए, यहां से एक इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक इधर से आ रहा है, यानी कि दो घेरे हुए लाइन, यहाँ पर तीन गो था, इसमें दो गो था, इधर एक गो था, तो इसको त्रिदलीय का पाठ कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दायां अलिंद और दायां निलय में कितने का पाठ होता है? तो त्रिदलीय का पाठ होता है, और बायां अलिंद और बायां निलय में कितने का पाठ होता है? तो द्विदलीय का पाठ होता है, ठीक है। उसके बाद बायां निलय में चले आप, उसके बायां निलय में ब्लड जो है चला जाता है, और बायां निलय के बाद फिर यह महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी इसके बाद पूरे शरीर में पहुंचा देता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यही उठेगा कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर कहाँ आता है? तो पहले हमारे शुद्ध अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारा शरीर से महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा यानी कि इस पाइप के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में आता है। दाहिना अलिंद के बाद दायां निलय में आता है। दायां निलय के बाद फुसफुस धमनी के माध्यम से या फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ जाता है? फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में शुद्ध होता है। फिर फुसफुस शिरा के माध्यम से, फुसफुस शिरा के माध्यम से यह जो है बायां अलिंद में प्रवेश करता है, बायां अलिंद में प्रवेश करता है। उसके बाद बायां निलय में, क्या यहां से फिर बायां, जैसे ही बायां अलिंद से बायां निलय में प्रवेश करता है, यहां पर द्विदलीय कपाट होता है, उसको तो नीचा करते हुए गेट को हटाते हुए यह बायां निलय में प्रवेश करता है, और बायां निलय के माध्यम से यह बायां जो है महाधमनी में प्रवेश करता है, और महाधमनी से डायरेक्ट हमारे शरीर में जो सो एकदम प्रवेश कर जाता है। तो इतना था, आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग जो सो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो मछली में कितने चैम्बर? दो चैम्बर होते हैं। उभयचर या सरसरप में कितने? तीन चैम्बर होते हैं। और स्तनधारी, जितने भी दुनिया में स्तनधारी जीव है उन सभी के अंदर चार चैम्बर होते हैं, यानी कि चार भागों में, यानी कि ऐसे समझिए एक हट हो गया उसके अंदर चार गो रूम हो गया, यानी कि चार गो कमरा हो गया, ठीक है। स्तनधारी में, उभयचर में उसी तरह होगा कि भी जितने भी सारे जीव जंतु होंगे या सरीसृप होंगे उसमें क्या होगा कि एक घर तो होगा, हट तो होगा, लेकिन उसमें तीन चैम्बर होगी, यानी कि तीन गो रूम वाला घर होगा। फिर उसके बाद मछली में भी समय तो हट होगा, दिल तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि दुए को रूम मिला के एगो हट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद।